गूगल ने छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। कवर्धा से इस वक्त का बड़ा मामला सामने आया है। अपहरण के मामले में थाने में पूछताछ के बाद युवक ने घर में लगा ली फांसी। पुलिस को उस पर लड़की के अपहरण का संदेह था, जिसके चलते उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। आरोप यह है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवक के साथ मारपीट की है। मामला झलमला थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक झलमला थाना क्षेत्र से 4 दिसंबर की रात करीब 10 बजे से 13 साल की लड़की लापता है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 363 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया है। मामले में संदेह के आधार पर पुलिस ने 5 दिसंबर को बारेलाल पिता चंदुआ गोड निवासी ग्राम पटुआ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे परिजनों ने सुपुर्द कर दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन 6 दिसंबर की सुबह युवक अपने घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। आरोप यह है कि पूछताछ के दौरान थाने में युवक से मारपीट की गई थी, जिसके चलते परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि यह जांच का विषय है। झलमला थाने के TI सुनील खेस ने बताया कि नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में मृतक बारेलाल गोड संदिग्ध था। पूछताछ के दौरान उसने लड़की को भगाना स्वीकार किया था, लेकिन जंगल में उससे बिछुड़ जाने की बात बताई है। पुलिस ने युवक के साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना या मारपीट से इनकार किया है। मौत से पहले युवक ने पूछताछ में पुलिस को जंगल के कुछ जगहों का नाम बताया था, जहां वह लड़की से बिछड़ गया था। उसी के आधार पर पुलिस की टीम लगातार अपहरण की गई लड़की को ढूंढ रही है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को अपहरण लड़की का सुराग नहीं मिल सका। मृतक बोरेलाल पेशे से ड्राइवर था, उस पर लड़की के अपहरण का पुख्ता शक था। फिलहाल मृतक की खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और साथ ही अपहरण की गई लड़की की भी तलाश जारी है।